एवरीवन, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, सभी को पता है, महिला कहानीकार पढ़ रहे हैं। और इसमें आज दो हम कहानीकारों को पढ़ेंगे जिसको अक्सर पूछ लिया जाता है और इनकी ज्यादा कहानियां भी हैं। अब हम देखते हैं, पहली है कौन, चित्रा मुद्गल है और दूसरा है मंजुल भगत। मंजुल भगत नाम से आप लोग ये मत समझना कि कोई पुरुष कहानीकार है ये, बल्कि पुरुष ना होके ये महिला कहानीकार है। मंजुल भगत नाम ही ऐसे है, जैसे एक नाम है कुसुम कुमार का आता है, तो कुसुम कुमार नाम देख के कुछ लोगों को लगता है कि ये लेडीज नहीं है, लेकिन ये लेडीज है। अब देखते हैं इसमें कौन है, जहर ठहरा हुआ, इनकी पहली कहानी है कौन, जहर ठहरा हुआ। फिर है लाछागिरी, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिना पर भूख लपटे। इनकी हम देखे तो जहर ठहरा हुआ भी पूछ चुका है, लाछागिरी भी पूछा है, और ये तो बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, और जिनावर भी पूछा गया, भूख लपटे। इनका समय भी आप देख सकते हैं, जहर ठहरा हुआ का 80 है, लाछागिरी 82 पूछा गया है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 92, और जिनावर का है 96, भूख का 2001 और लपटे हैं 2002। अब इनको याद कैसे रखें? मैंने जो तरीका अपनाया था, जो मुझे सरल लगता है, वही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी से याद हो जाए। अब मैंने याद किया था मुद्गल, मैं से गल निकाल लिया था, मैंने याद किया कि जहर ठहरा हुआ, अगर कहीं जहर ठहर जाए तो वो हिस्सा गल जाएगा ना, अगर कहीं जहर जो है ठहर जाए तो वहां का जो हिस्सा है वो क्या होगा, गल जाएगा। जहर ठहरा हुआ मुद्गल का है, गला देगा। और लाछागिरी में भी जाने के बाद क्या होता है, इंसान तप जाता है, गल जाता है, लाछागिरी में जाने के बाद तप जाता है, गल जाता है, तो मुद्गल का है। अपनी वापसी, और कहीं वापसी करोगे तो हमें बहुत सारा क्या होता है, अगर कहीं जाना है, कहीं किसी से झगड़ा हो गया और फिर से वापसी करना है, तो हमें गलन सी बहुत महसूस होती है, बहुत गिल्ट होता है, वहीं से याद किया था कि गिल्ट होता है हमें, हो जाएगा मुद्गल का अपनी वापसी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जो शहर वाले होते हैं उनको क्या होता है, गांव देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हरियाली है, प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब वहां जाके रहता है तो शायद एक दो दिन, दो चार दिन रहने के बाद उसको फिर से अपने शहर की याद आने लगती है, नहीं रह सकता, क्योंकि गांव में जो जिस तरह से है, अभी हवाएं चलती है, लू चलती है, धूल मिट्टी है, लाइट नहीं आती, और कभी जो है थोड़ा सा आंधी आ गई, बारिश हो गई, तो एक एक महीने लाइट ही चली जाती है, तो जो गर्मी होती है वहां पे, जो ठंडी लगती है, शहर में है हीटर लगा लिए या फिर एसी वगैरह, लेकिन लाइट नहीं रहेगी तो एसी कैसे चलेगी, हीटर कैसे चलेगा, तो यही सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैंने याद किया था कि गांव में आके हम क्या होते हैं, गल जाते हैं, जब जगदम्बा बाबू गांव आते हैं तो क्या होता है, वहां गल जाते हैं, जगदम्बा बाबू गल जाते हैं। और जिनावर जो होता है, मतलब जानवर जो होता है, वो भी अगर शेर वगैरह के सामने आ जाए तो वो भी क्या कर देता है, हमें गला देता है, मतलब खा जाता है, गल जाते हैं, चित्रा मुद्गल। भूख से भी हम क्या होते हैं, गल जाते हैं, और लपटे भी हमें क्या करती हैं, आग की लपटे भी हमें गला देती हैं। गल से इतनी सारी कहानियों को याद कर लिया, फिर से देख लो, जहर क्या कर देता है हमें, कहीं ठहर जाए तो हमें गला देता है, चित्रा मुद्गल। लाछागिरी में भी हमें गला देता है, कहीं वापसी करनी होती है तो हमें गिल्ट होती है अपनी वापसी, और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जब जगदम्बा बाबू गांव आते हैं तो वहां क्या होता है, वो गलने लगते हैं, गल जाते हैं धूप के मारे। फिर क्या है, जिनावर भी हमें क्या कर देता है, खा जाता है, गला देता है। भूख भी क्या होता है, इंसान को अच्छा खासा व्यक्ति रहे लेकिन अगर उसको खाना ही ना मिले, भूख लगी रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पतला हो जाएगा, कहते हैं तुम तो गल गए हो, खाना ही नहीं मिलता, तो गल गए भूख के मारे, लगते भी क्या होती है, गला देती है। अब देखते हैं कौन है मंजुल भगत, कौन है मंजुल भगत है। अब
भगत से ही अपनी ट्रिक बनाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, गुलमोहर के गुच्छे टूटा हुआ इंद्रधनुष क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले कितना छोटा सफर, लेडीज क्लब सफेद कौवा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सफेद कौवा इसको आप लोग जरूर याद रख लेना। इसका समय भी देख लीजिए, गुच्छे का है 74, इंद्रधनुष टूटा हुआ इंद्रधनुष 76, इसका भी 76 है क्या छूट गया, आत्महत्या के विरुद्ध एक है जो रघुवीर सहाय का है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है काव्य है, और आत्महत्या के पहले 79 का है 79 का ये है मंजुल भगत का, इतना छोटा सफर लेडीज क्लब का है 76 और सफेद कौवा 2001 की रचना है। अब क्या करेंगे भगत, जब कोई भगत होगा तो क्या करेगा, गुलमोहर के गुच्छे के साथ रहेगा। देखते हैं ना, अगर कोई भगत हो जाता है तो अपना घर परिवार छोड़ के कहीं ऐसी जगह पे रहता है जहां उसे शांति मिले, उसे भगवान का स्मरण करने में बाधा ना आए। तो वही है, जब कोई भगत हो जाता है तो गुलमोहर के गुच्छे के साथ रहता है। कैसे रहता है, जैसे टूटा हुआ इंद्रधनुष हो, वो भी तो इंद्रधनुष मतलब अपने परिवार से तो टूट जाता है ना, कोई भगत हो जाए तो अपने परिवार से क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वही कैसा लगता है भगत, टूटा हुआ इंद्रधनुष और क्या छूट गया, उसको लगता है कुछ छूट गया, उसका सब छूट जाता है, आत्महत्या के पहले, वो पहले आत्महत्या करना चाहता था लेकिन फिर क्या हुआ, भगत बन गया, फिर क्या हुआ, भगत बन गया। कितना छोटा सफर, उसको अब लग रहा है कि ये सफर जो है कितना छोटा है, भगत बन गया हूँ, जिंदगी एकदम आसान हो गई, कोई टेंशन नहीं, ना ही घर गाड़ी खरीदना, ना ही घोड़ा, ना ही घर बनाना है, उसको लग रहा है ये सफर कितना छोटा है। फिर क्या है, वो एक लेडीज क्लब की तरह, सफेद कौवा की तरह रहने लगता है, एक लेडीज क्लब की तरह सफेद कौवा बन के रहता है। जैसे सफेद रंग होता है उस, वो क्या होता है, एक अलग ही उसकी पहचान होती है, वैसे भगत की भी एक अलग पहचान होती है, सफेद कौवा बन के वो रहता है। फिर से देख लो, जो मंजुल भगत है, जो भगत है वो क्या करता है, गुलमोहर के गुच्छे की तरह रहता है, टूटा हुआ इंद्रधनुष की भांति उसका सब कुछ छूट जाता है, कहता है क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, आत्महत्या के पहले वो क्या था, क्या इंसान क्या था, वो एक गृहस्थ परिवार में रहता था लेकिन बाद में क्या करता है, वो भगत बन जाता है। फिर कहता है कितना छोटा सफर, अब कितना छोटा सफर है, लेडीज क्लब की तरह वो सफेद कौवा बनकर रहता है, सफेद कौवा बनकर रहता है। मुझे लगता है इन दोनों की कहानियां आप लोगों को याद हो गई होगी। कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या है, मतलब दो कहानीकार को याद कर लिया तो क्या कर लिया, लेकिन सोचो अगर 5-6 मिनट की वीडियो में हमें दो लोगों की कहानियां याद हो जा रही हैं तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आपको सारी कहानियां याद हो जाएंगी। और होता है, कहते भी है ना, भूत भूत से घड़ा भरता है, तो आप एक एक टॉपिक तैयार करेंगे तभी जाके एक दिन आपका सारा टॉपिक तैयार हो पाएगा। और प्लीज वही कहना है, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।